दोस्तों कहते हैं किस्मत उस चिड़िया का नाम है जो आपको पल भर में आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, और अगर किस्मत साथ दे तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया जा सकता है। और जिंदगी में किस्मत हर एक की कभी ना कभी तो चमकती ही है, लेकिन कई लोग तो इतने भाग्यशाली होते हैं कि उनके साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है जिन्हें देखकर वो खुद भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं कर पाते। तो चलिए देखते हैं लकीएस्ट पीपल जिन्हें देखकर आपका दिन रात बन जाएगा। सबसे पहले जरा इस सीसीटीवी की फुटेज पर नजर डालिए। इसमें जीटीए सैन एंड्रियास की तरह दिखने वाले ये लोग कार के साइड में खड़े होते हैं, तभी इनके पीछे वाली सड़क पे एक खतरनाक हादसा होते होते रह जाता है। पीछे लाल गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन अचानक से सड़क पर आ जाती है, और दूर से आ रहे इस बाइक वाले को जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं था, और तभी वहीं पे एक धमाका होने से बच जाता है, क्योंकि उस राइडर की किस्मत ने उसका एंड टाइम पे साथ दे दिया। वो ब्रेक मारकर होकर होने से तो बचा ही लेता है, साथ ही फिसल कर सड़क पर गिरने से भी बच जाता है। इसे देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। नेक्स्ट इस वॉलीबॉल के मैदान की एक इस फुटेज को भी देख लीजिए। यहाँ पर आराम से वॉलीबॉल का गेम चल रहा था, दोनों टीम्स के अंदर तगड़ा कंपटीशन चल रहा था, लेकिन उनमें से एक प्लेयर की किस्मत पूरी गेम को पलट कर रख देती है। एक प्लेयर जंप करके दूसरे प्लेयर के पास बॉल को फेंकता है, लेकिन छलांग लगाने के बावजूद भी इस महाशय का हाथ बॉल को टच होने से रह जाता है। लेकिन तभी इनकी किस्मत चमकती है और बॉल इनके कंधे पे आके बसती है। दूसरी टीम वाले तो खुशियां मनाने लग गए थे, लेकिन कंधे पे बच के बॉल आगे चले जाती है और ये वाली टीम जीत जाती है। नेक्स्ट इस रोंगटे खड़े कर देने वाली फुटेज को देखिए। रात के समय में एक पतले से हाईवे पे कुछ गाड़ियां जा रही थी, तभी इस गाड़ी के आगे चल रहा ट्रक अचानक से ब्रेक दे देता है, जिसकी वजह से ट्रक के साथ जुड़ा हुआ कंटेनर एक साइड से पलटने को बच जाता है, और कंटेनर अपने साथ ट्रक को भी लेके जाने वाला होता है। लेकिन साइड से आती हुई गाड़ियों में से लास्ट वाली की किस्मत चमक जाती है, क्योंकि ट्रक का कंटेनर गाड़ी के ऊपर गिरने के बजाय सीधा हो जाता है, इससे बहुत भयानक हादसा होने से बच जाता है। नेक्स्ट अगर ट्रक की बात चल ही रही है तो इस दिल दहला देने वाली वीडियो को भी देख लो। इसमें ये महाशय ट्रक की खिड़की में से सीधा मिट्टी के ढेर के ऊपर लैंडिंग कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा ट्रक एक साइड को गिर कैसे गया? ये जनाब अपने ट्रक में मिट्टी भरकर कंस्ट्रक्शन साइट पर डिलीवर करने जा रहे थे, और एक बड़ी सी जेसीबी ट्रक में से मिट्टी निकालने का काम कर रही थी। तभी जेसीबी के ड्राइवर से आंख लग जाती है और वो ट्रक को इतनी जोर से धकेलते हैं कि ट्रक पूरा एक साइड को पलट जाता है। लेकिन ट्रक ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी कि सड़क थोड़ी ऊंचाई पर थी और ट्रक पलटते पलटते बच जाता है, और ये भाई चिंपैंजी की तरह नीचे उतर जाते हैं। नेक्स्ट अब इस गैराज की फुटेज को भी देख लो, जिसमें ये भाई बाइक को रिवर्स करके ले जा रहे थे, लेकिन तभी अपना पैर कार को नीचे से चेक करने वाले बड़े से गड्ढे के किनारे पर रख देते हैं, और उसकी 45 रुपए वाली चप्पल अपना दम तोड़ देती है। इसने मुझे फोन करके बताया था कि 45 की है, और तभी इसका पैर फिसलता है, लेकिन ये गड्ढे में गिरने से बच जाते हैं, वो भी बाइक के साथ। बाइक टेढ़ी गिरी इसलिए बीच में नहीं गई, और इसको इसके हाथों की सपोर्ट मिल गई, नहीं तो दोनों बीच में जाते। टाइम पे अपने किस्मत का सिक्का पलट गया, नहीं तो ये गड्ढे में पूठा पड़ा होता। अगर वीडियो को यहीं तक देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर मार दो। जल्दी करो फिर मैं नेक्स्ट वाले में चलता हूँ। कर दिया, चलो थैंक। नेक्स्ट यहाँ पर ये दो लड़के नारियल के पेड़ को काटने के प्रोसेस में लगे हुए थे, जिनमें से एक लड़का पेड़ को चेनसो की मदद से काट रहा था और दूसरे लड़के ने पेड़ को रस्सी से बांधकर पकड़ा हुआ था, ताकि जैसे ही पेड़ कटे तो ये अपनी तरफ पेड़ को खींच सके और पेड़ घर के बाहर न गिरे। लेकिन ये लड़का नल्ला बेरोजगार छपरी था, क्योंकि इसने पेड़ से काफी छोटी रस्सी पकड़ी हुई थी और ये पेड़ के काफी करीब था, और पेड़ कटने के बाद जैसे ये पेड़ को खींचता है तो पेड़ इसके ऊपर गिरने से बच जाता है। कुछ मिली सेकंड का फर्क रह गया था, नहीं तो ये भी नीचे दब जाता। इसकी किस्मत ने तो अति उत्तम वाला साथ दे दिया। नेक्स्ट अब आप इस होश उड़ा देने वाली फुटेज को भी देख लो, जिसमें एक कार ड्राइवर खाली सड़क को देखकर अपनी कार को पार कर रहा था, और तभी आसमान से मुसीबत आती है सीधा इनकी झोली में, क्योंकि एक साइकिल में आ रहा लड़का सीधा इनकी गाड़ी के पीछे आ जाता है। उस लड़के की साइकिल और गाड़ी के बीच में कुछ सेंटीमीटर का ही फर्क होता है। अब पता नहीं इसकी राइडिंग स्किल अच्छी थी या फिर इसकी
की किस्मत ने एंड टाइम पर इसका साथ दे दिया। ये बच्चा पता नहीं इनमें से किस गाड़ी में जाके बसता। अब इस हैरान कर देने वाली फुटेज को देखिए, जिसमें ये मोहतरमा जैसे ही अपने घर के बाहर निकलती है, तभी इनके दरवाजे के पास बैठा जहरीला सांप इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इनकी अच्छी किस्मत के कारण ये उस सांप के डंक से बच जाती है और साथ में पड़ी लाठी की मदद से उस सांप को वहां से दूर भगाने की कोशिश करती है। लेकिन सांप भी नागिन वाला नाटक देख के आया था, लेकिन इस मोहतरमा ने सही दूरी बनाते हुए उस सांप को बाल्टी में गिरा दिया। ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती तो इस पे कोई विश्वास ही नहीं करता। नेक्स्ट, अब इस वाली क्लिप को देखकर आप अपनी आंखों को रगड़ते ही रह जाओगे। देखिए, यहाँ पर सड़क से कुछ गाड़ियां गुजर रही थी और उन्हीं में से एक था ये मल्टी एक्सल ट्रक, जो इस छोटी सी ढलान को जैसे ही पार करता है तो सड़क बीच में धस जाती है, मानो एक ब्लैक होल ही बन गया था। ये तो अच्छा हुआ कि उस ट्रक वाले की किस्मत अच्छी थी, जो ट्रक उस गड्ढे में नहीं घुसा और ऊपर आ गया। ये तो अच्छा हुआ कि पिछली वाली गाड़ी स्लो चल रही थी, नहीं तो एम्बुलेंस को आने में टाइम नहीं लगता। अगर आपकी ऐसी किस्मत चमकी है तो कमेंट्स में ऐसे किस्से बताओ। नेक्स्ट, ये वाली क्लिप देखने के बाद आप किसी दुकान में जाकर एक जगह खड़े नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ ये लड़की सामान लेने आई थी और तभी कई सौ किलो का फ्रिज ठीक उसी जगह पे गिरता है जहाँ पर ये खड़ी हुई थी। इस फ्रिज के गिरते ही काउंटर का सारा सामान चूर चूर हो गया। सोचिए, अगर वो लड़की यहाँ पर खड़ी होती तो उसे लेने मेरा मतलब एम्बुलेंस को लेने के लिए बुलाना पड़ता। इसलिए कहते हैं किस्मत आपको बिना किसी खरोच के बड़ी सी बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। नेक्स्ट, अब आप जरा इस वाली क्लिप को देख लीजिए। दोपहर का समय था और कई लोग रोड के ऊपर से गुजर रहे थे, लेकिन तभी पास में लगा एक पेड़ आधा टूट जाता है और बिजली के खंभे के ऊपर जाकर गिरता है। और उस पेड़ के गिरने का झटका इतना खतरनाक था कि उन तारों में से पावर एक्सप्लोजन हो जाता है। और ये बिजली इतनी खतरनाक थी, अगर कोई भी इसकी पकड़ में आ जाता तो उसका हाल बेहाल हो जाता। सबसे अच्छी किस्मत तो वहां से गुजर रही माँ और उसके दो बच्चों की थी, जिनके सिर्फ कुछ ही इंच दूर ये हादसा हुआ। सच में इनकी किस्मत तो बहुत ही अच्छी थी। हे ऊपर वाले, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो इस वीडियो को लाइक करे उसकी किस्मत भी अच्छी हो जाए। नेक्स्ट, अब आप जरा इस क्लिप को देखिए। यहाँ ट्रक का टायर पंचर हो जाता है, लेकिन ये भाई साहब टायर के पंचर को ठीक कर लेते हैं और उस टायर में हवा की पाइप को अटैच कर खुद उस टायर को लगाने की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। अभी दिवाली आने में बहुत दिन बाकी है, लेकिन इन्होंने तो अभी टायर को हवाई जहाज बना दिया, क्योंकि हवा इतनी ज्यादा भर गई थी कि टायर साइड से फट जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। पहले तो ये कई फीट ऊंचाई पर जाता है और जनाब के साइड में आकर गिर जाता है, जिससे जनाब के चौके पंजे छक्के सब उड़ जाते हैं। लेकिन क्या ही तो किस्मत थी इनकी। नेक्स्ट, जरा इस क्लिप को ध्यान से देखो। ये लड़की इस रास्ते को क्रॉस कर रही होती है, लेकिन जैसे ही ये रास्ते को क्रॉस करती है और पीछे खड़ी हुई गाड़ी से थोड़ा आगे पहुंचती है, तभी साथ वाली बिल्डिंग के ऊपर से गाड़ी के ऊपर इतनी ज्यादा बर्फ गिर जाती है कि गाड़ी ऊपर से चिब्बी हो जाती है। और ध्यान से देखो, जहाँ से वो लड़की चल के गई वहाँ पर भी बर्फ गिरी, तो जब ये चलकर जा रही थी तब गिर गई होती तो क्या ही होता। कुछ नहीं, बस यम रहा है। तो यही थे आज के कुछ लकीएस्ट पीपल्स। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हमें कमेंट्स में जरूर से बता देना। और वीडियो देखने में अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।